उन्होंने कहा कि मम्मी डरने की कोई जरूरत नहीं है, मृत्यु तो एक निश्चित समय पर आएगी, उसको तो कोई रोक नहीं सकता है, उसका एक समय निश्चित है, तो मृत्यु से तो डरना ही नहीं। निडर ये एक शब्द नहीं बल्कि एक एहसास है जो कैप्टन मनोज पांडे के व्यक्तित्व को पूर्ण रूप से दर्शाता है। जिन्हें ना मृत्यु का डर था ना दुश्मन का, शुरुआत से ही एक सपना था देश की सेवा कर परमवीर चक्र हासिल करने का। वीडियो के शुरुआत में जो आपने आवाज सुनी वो कैप्टन मनोज पांडे के पिताजी की थी। श्री गोपी चंद पांडे जी बताते हैं कि कैप्टन मनोज अक्सर कहा करते थे, जिंदगी चाहे थोड़े दिन की हो लेकिन शेर की तरह जीनी चाहिए। 3 जुलाई 1999 को 24 साल की उम्र में देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले कैप्टन मनोज पांडे ने जंग के बीच में भी यही कहा था, यदि मेरे रास्ते में मौत आई तो मैं उसे भी मार दूंगा। जो कहा उन्होंने वो कर भी दिखाया था। इंटरव्यू लेते लिए जो बैठे हुए थे एग्जामिनर ने वहाँ पर सभी से कुछ न कुछ पूछा, मनोज से पूछा कि तुम सेना में भर्ती होने के लिए क्यों आए हो और कोई काम क्यों नहीं सीखा, तो मनोज ने दृढ़तापूर्वक उन्होंने कहा कि सर मैं परमवीर चक्र पाने के लिए सेना में भर्ती होने के लिए आया हूँ। करगिल जंग में खालूबार टॉप पर तिरंगा फहराने वाले हीरो कैप्टन मनोज पांडे ने अकेले ही दुश्मन के 3 बंकर ध्वस्त किए थे। 3 जुलाई 1999 की रात को जैसे ही उनकी पलटन अपने अंतिम लक्ष्य के करीब पहुंची तो वो दुश्मन की भारी और तीव्र गोलीबारी का शिकार हो गई। परिस्थितियां कैसी भी हों, कितनी भी कठिन हो, कैप्टन मनोज ने हमेशा आगे बढ़कर अपने सैनिकों का नेतृत्व किया। ये उनका अडिग इरादा ही था जिससे उनकी कंपनी ने अंततः खालूबार पर कब्जा कर लिया। उन्हें अपने साहस अनुकरणीय वीरता के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था।